कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने नया प्लान बनाया है। ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी के बाद अब आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट 2 चलाया जाएगा। आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने 14 टॉप आतंकी कमांडर्स की एक लिस्ट भी तैयार की है और इस लिस्ट में लश्कर से लेकर जैश, हिजबुल और तहरीक उल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त कश्मीर घाटी में 250 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इस साल अब तक 39 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, जिनमें से 23 विदेशी आतंकी हैं। तो ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 अब शुरू होगा। आतंक के सफाई के लिए चलाया जाएगा ऑपरेशन ऑल आउट 2 ऑपरेशन। कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए अब नया प्लान है, जिसमें बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार की गई है। आतंकी संगठनों से जुड़े जो तमाम खूंखार आतंकी हैं, उनकी एक लिस्ट है। एक एक करके उन सभी को सेना ढूंढ निकालेगी। इस साल अब तक 39 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, जिनमें से बताया जा रहा है कि 23 विदेशी आतंकी थे। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में करीब 250 आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों ने 14 टॉप आतंकी कमांडर्स की एक लिस्ट भी तैयार की थी। इस लिस्ट में लश्कर, जैश, हिजबुल और तहरीक उल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स को शामिल किया गया है। तो इस साल अब तक 39 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, अब इस ऑपरेशन का पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। घाटी को पूरी तरह से आतंक से मुक्त कराने के लिए भी एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें टॉप कमांडर्स के नाम शामिल हैं जो अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन ऑल आउट, उसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे, क्योंकि कई कमांडर्स को मारा था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन स्लो किया गया था, क्योंकि वैली में कोशिश हो रही थी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसे माहौल बनाए जिसमें यूथ को इंगेज किया जा सके और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन एक बार फिर से अब ये जो स्ट्रेटजी है उसको फिर से कहा गया है कि ऐसे जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा है या जैश मोहम्मद के हैं, इन टॉप कमांडर्स को काउंटर किया जाना जरूरी है, क्योंकि लगातार वो रिक्रूटमेंट की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में। तो ऐसे करीब 14 कमांडर्स की लिस्ट हमारे पास जो कश्मीर में, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक तरीके से जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें पूरी तरीके से इन कमांडर्स को खत्म किया जाएगा, इसकी योजना बनाई गई है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इसकी योजना बनाई गई है, ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 को बहुत जल्द ही अमल में लाया जाएगा। तमाम जो खूंखार बड़े आतंकवादी हैं, टॉप कमांडर्स हैं, उनकी लिस्ट जो बनाई गई है उसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा।